कल ये लोहा खान, भूपो का भाड़ा और मुन्ना भाई के टीनेजर्स हैं, 20-22 साल के लड़के, इनके आपस में 2-3 दिन पहले तुतु मैम हुई। उस तुतु मैम की बात को लेके कल कोई 4-5 लड़के इकट्ठे होके आए और कोई आपस में लड़ाई झगड़े का था प्लान, पर किसी सज्जन व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया और उनको धमकाया तो वो वापस भाग गए। वो वीडियो जब हमें पता चला तो सूचना और हमने हमारे तंत्र से तीन चार लड़कों को तो इंसदादी कार्रवाई में बंद किया है। 170 BNSS में अभी गिरफ्तार है वो, जिन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करके नियमानुसार पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चे इकट्ठे हुए थे, ऐसी कोई वारदात लड़ाई झगड़ा की घटना तो हुई नहीं, पर इस तरह के इकट्ठा होना भी शांति के लिए ठीक नहीं है। कोई शांति व्यवस्था शहर की बनी रहे, कुछ अधिकारियों के भी सख्त निर्देश हैं कि किसी भी सूरत में माहौल किसी भी रूप में खराब नहीं होना चाहिए, आम जन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर एहतियातन इनको 170 BNSS में पाबंद करवाया, संबंधित न्यायालय में पेश करेंगे और भारी से भारी मुचलकों में पाबंद क्या नाम है, कहाँ करवाएंगे। के रहने वाले हैं? ये सब बच्चे नए ही हैं, 20-22 साल के हैं, लोहा खान, भूपों का बाड़ा और मुन्ना भाई, ये आसपास के कॉलोनी के हैं। क्या नाम है सामने के अब रहने वाले? उनमें से जो किया, एक का नाम राहुल है, एक का नाम पुष्पेंद्र है, एक का नाम लोहा का वो अमजद है, एक का कोई दीपक सासी है, बस स्टैंड पे कोई बदमाश वगैरह था उसको भी अभी सही, तक उनमें से जिनका कोई बड़ा प्रॉफिट हो रही है सर, नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं डेटेशन है। फैला रहे हैं? बस जस्ट मैंने बताया ना, 2 दिन पहले आपस में तो मैं हुई, नए बच्चे हैं तो उस बात को लेके कि अभी तुमको देख लेंगे, इस बात को लेके इकट्ठे हुए थे, पर समय से पहले किसी सज्जन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें इन्फॉर्म किया और हमने उसके तुरंत रेस्पॉन्स किया और समय रहते हैं। जी Pizza Point, Kangor, for delicious moments.